नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फैलतौरी के बारे में। फैलतौरी जिसे हम लोग कॉमनली ऑक्स गॉल कहते हैं, या जो है होम्योपैथी में गोल ब्लैडर स्टोन जो हो जाते हैं उसमें बहुतायत यूज होता है, और यह ड्यूओडेनल सेक्रेशन को बढ़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, फैलतौरी एक बेहतरीन दवा है होम्योपैथी में, जो कि गोल स्टोन में बहुत अच्छा काम करता है। हम जब पित्त की पथरी में दवा के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पर फैलतौरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा हो जाती है। और दोस्तों हो भी क्यों ना, यह हमारे ड्यूओडेनल सेक्रेशन में बहुत ही सहायक है, यह इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में बहुत ही कारगर दवा है, यह हमारे पित्त को लिक्विफाइज कर देता है, पित्त को पतला कर देता है, जिससे कि पित्त की थैली जब संकुचित होती है तो अधिक मात्रा में पित्त निकलता है। और दोस्तों यह एक पर्गेटिव की तरह काम करती है, यह एक रेचक की तरह काम करती है, यह कोलेगॉग की तरह काम करती है, जिसमें कि बाइल के सेक्रेशन को यह दवा बढ़ा देती है। मुख्य तौर पर जब भी हम बात करते हैं कि गोल ब्लैडर में स्टोन हो गया है तो दोस्तों हम सर्जरी के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन अगर आपका पित्त की पथरी 9 mm से कम है तो दोस्तों आप होम्योपैथी के बारे में भी सोच सकते हैं। और मेरा यह क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर पथरी सिंगल हो और 9 mm से छोटा हो तो दोस्तों आप होम्योपैथी दवा लेकर के इसका इलाज कर सकते हैं और आपकी पथरी गल भी जाएगी। यहाँ पर फैलतौरी जो दवा है, मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बता देता हूँ। ये दोस्तों टैबलेट फॉर्म में दवा है, ट्रेचुएशन है, और ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ये छोटी छोटी गोलियां होती हैं जिसका आपको सेवन करना होता है। फैलतौरी दोस्तों बिलियरी कैलकुली में और कॉमन बाइल डक्ट में, सीवी डक्ट में जब पथरी हो जाया करता है तो उसमें भी बहुत ही कारगर दवा है। और जहाँ पर सीवी डक्ट में, कॉमन बाइल डक्ट में जब ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है और पित्त सही से प्रभावित नहीं हो पाता है तो दोस्तों वहाँ पर जॉन्डिस होने की आशंका हो जाती है, और आप पेशेंट में देखेंगे कि उनका स्किन जो है, चमड़ी जो है, एलोइस हो जाता है, उनका स्क्लेरा एलोइस हो जाता है, जो जॉन्डिस का लक्षण होता है, और वहाँ पर उनको लॉस ऑफ एपेटाइट आपको देखने को मिलेगा, गैस्ट्राइटिस देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर जिनका वीक डाइजेशन है, जिनको कमज़ोर पाचन शक्ति है, और जिनको जॉन्डिस जैसे लक्षण दिख रहे हैं, या फिर पाचन शक्ति की कमी जिनमें है, गैस की शिकायत बराबर रहती है, तो वो भी फैलतौरी का दोस्तों सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी दवा है फैलतौरी। और मुख्य रूप से जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ गोल डक्ट्स में होते हैं, जो सीवीडी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं, उसे भी दूर करने में यह सहायक है। इसलिए सहायक है कि यह पित्त के सेक्रेशन को बढ़ा देती है, यह पित्त को पतला कर देती है, और यह दवा जो है फैट्स को छोटे छोटे कणों में तब्दील कर कोलेस्ट्रॉल को एक जगह जमा नहीं होने देती। आप देखेंगे कि गोल ब्लैडर स्टोन में जो मुख्य रूप से स्टोन होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, अगर वो छोटे छोटे कणों में हो जाएंगे तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण स्टोन नहीं बन पाता है। इसलिए दोस्तों फैलतौरी गोल ब्लैडर स्टोन की एक बेहतरीन दवा है होम्योपैथी में, या गैस्ट्राइटिस की बहुत अच्छी दवा है, या जॉन्डिस की बहुत अच्छी दवा है, और जिनका टॉर्पिड लीवर है, स्लगिश लीवर है, उनमें भी ये दवा बहुत ही अच्छा काम करता है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। यह दवा जो है दोस्तों आपको 4-4 टैबलेट करके 3 बार सुसुम पानी के साथ लेना है, ये बहुत अच्छा लाभ करेगा। और दोस्तों ये फैलतौरी 3X जो है ये डॉक्टर रेक्वेज की है, ये 20 ग्राम की टैबलेट है, और इसकी अभी कीमत है 220 रुपये। आप इसे लेकर खरीद कर आप दोस्तों इसका यूज कर सकते हैं, और आप गोल ब्लैडर स्टोन से अगर आप पीड़ित हैं, अगर आपका पाचन शक्ति कमज़ोर है, तो आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।